रेक्टेंगल, आज का हमारा टॉपिक रेक्टेंगल है। आप रेक्टेंगल किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं उसके ऊपर ही ये वीडियो है। मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप रेक्टेंगल को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मैंने एक 2D पेज ओपन किया हुआ है, 2D ड्राइंग्स के लिए एक पेज ओपन किया है। इसके अंदर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नियम ये है कि आपको पहले यूनिट सेट करना पड़ेगा, फिर लिमिट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं यूनिट सेट करता हूँ मैकेनिकल ड्राइंग्स के लिए। टाइप करता हूँ UNITS, एंटर। यहाँ मैंने डेसिमल किया, ये मैंने 0.0 किया और यहाँ पे ये मैंने मिलीमीटर किया। ओके, अब मैं लिमिट सेट करूँगा, एंटर, फिर अगेन एंटर, डबल बार एंटर करनी होती है। अब मेरे पेज की जो लिमिट है मैं 1000 रख रहा हूँ, कोमा 1000, फिर जेड एंटर, ए एंटर। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि रेक्टेंगल आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए आपको उसे सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के दो वे हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये दो वे बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो ड्रॉ टूल बार है उसमें रेक्टेंगल को आप क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे पॉइंट कीजिए, तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो एक्स होगी और ये जो वर्टिकल लाइन होगी वो वाई होगी। हमने मैकेनिकल ड्राइंग्स के लिए यूनिट को मिलीमीटर में सेट किया है, तो उस तरह से डायमेंशन रख के हम ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे। तो मैंने पॉइंट को सेलेक्ट करके इस तरह से आपको ये मिल रहा है। अब आप शिफ्ट एट द रेट कीजिए और एक्स में कितना लेना है वो डिसाइड कीजिए। तो हम एक्स में 100 लेने वाले हैं और वाई में वर्टिकल में कोमा कीजिए और वर्टिकल में मैं 50 लेने वाला हूँ और उसके बाद एंटर कीजिए। तो इस तरह से ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। तो ये पहला वे हो गया। अब दूसरा स्टेप ये है कि आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, तो REC और एंटर कीजिए, तो ये आपने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में आप यहाँ पे पॉइंट कीजिए और सेम प्रोसीजर है, शिफ्ट एट द रेट, हॉरिजॉन्टल मुझे 100 लेना है, फिर कोमा कीजिए और उसके बाद में वर्टिकल मुझे 50 लेना है और एंटर कीजिए, और ये आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने का यही एक सिंपल वे है। तो इस तरह से आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं 2D ड्राइंग्स के लिए। अभी जितने भी वीडियोस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सारे के सारे 2D ड्राइंग्स के लिए है, ठीक है। तो 2D ड्राइंग्स के लिए रेक्टेंगल आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया।